ये जो टोरेंशियल रेन हुई थी परसों रात को, उसने ये ब्रीच हो गया था। हुआ ये कि हमने 7 बजे इसका रिड्यूस किया था लेवल तकरीबन 50%, मगर क्योंकि ये टेल एंड पे है और यहाँ से हम मोर और लेस 26 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं डैम से, तो पानी रिसीड होने में टाइम लगता है। दो पानी की लेवल कम हो गई थी, मगर इसमें ये हुआ कि फिर बिजली की जो हमारी के इलेक्ट्रिक है इसके जो पंपिंग है वो बंद हो गई, उससे बैक प्रेशर की वजह से ये हमारा कैनाल को ब्रीच हुआ। और दूसरा ये जो रास्ते बने हैं ना, ये आपने पहाड़ी के ऊपर देखा होगा, ये पहले ये रास्ता नहीं था। ये हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं ये नॉन इंस्पेक्शन पाथ है, NIP है, और वो IP है हमारा इंस्पेक्शन पाथ है उस तरफ। तो ये जो पहाड़ों का था, इसका जो पीछे आप देख रहे हैं इनका एक्वाडक्ट लगा हुआ है, वहाँ से इसका जो क्रॉस ड्रेन है वहाँ से होता था इसका पानी, मगर ये आया है यहाँ से पानी फ्लो करता हुआ। ऑलरेडी ये भरा हुआ था और प्लस में ये आके इसने कैविटी बनाई है, कैविटी बना के ये यूँ नीचे गया इसके कैनाल के, और वहाँ से इसने स्कावर करना शुरू किया है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी उसकी लेवल्स ऊपर थी तो वो जो है कोलैप्स हो गया है ना, वो पैनल जो है पूरा के नीचे से पानी आया हेल टोरेंट्स का और वो उस पर कोलैप्स कर गया। उसमें हम लोग ये लगे हुए हैं, इंशाल्लाह इसको हमने 72 घंटे में करना है, क्योंकि फिर कल सुबह भी बरसात शुरू हो रही थी यहाँ पे ना, बरसात हो रही थी तो उसकी वजह से मोबिलाइजेशन 2-3 हमारे डंपर यहाँ पे वो फंस गए थे उसमें, फिर उसको निकालना, फिर इस पानी का, फिर वो क्योंकि इसका ड्रेन जो पूरा बरसात का पानी है वो हमारे इसमें आता है, फिर हमने कट लगा के डाइवर्ट किया है। तो अभी खैर कंट्रोल में है सिचुएशन और हम सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए हुए हैं हमने, अगले 48 घंटे या उससे थोड़ा हमने इसको कंप्लीट कर लिया।